एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ और बोलूँ, मैं आपको सबसे पहले तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपके मुंह में पानी ज़रूर आने वाला है इस रेसिपी को पूरा देखकर, क्योंकि यह रेसिपी है ही इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी रसीली कि आपको मतलब आप रह नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है रेसिपी और देखने में तो आपको लग ही रहा होगा कितनी मस्त, मतलब मैं तारीफ़ कितनी ही कर लूँ इसकी कम है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो भाई तारीफ़ तो इसकी कुछ ज़्यादा ही होगी, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेसिपी का नाम भी भाई बता दो, नाम क्या है इस रेसिपी का, क्योंकि कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बता दूँ, इस रेसिपी का नाम है खाजा। और ये रेसिपी बंगाल, उड़ीसा और यूपी की फेमस मिठाइयों में से एक है। इसको चिरोटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स कितनी ज़्यादा है और ये कितना खस्ता, कितना क्रिस्पी देखकर ही लग रहा होगा। और आप इसके लेयर्स ज़रा एक बार देखिए तो सही, इतनी मतलब ज़्यादा लेयर्स है इसमें। तो इसी तरह के खाजा अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इस वीडियो के बीच में बहुत सारे ज़रूरी टिप्स शेयर किए हैं और उन टिप्स को आप फॉलो ज़रूर करना। और फॉलो तो तभी करोगे ना जब आप इस वीडियो को पूरा ढंग से देखोगे, अच्छे से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो फिर फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस पर रखा है एक पैन, एक कढ़ाई, और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आधा कप पानी और फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम। और इसके बाद आपको इसमें डालना है चीनी, और ये एक कप चीनी मैंने यहाँ पे ली है और एक कप चीनी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद आप इसको मिला लेना जिससे कि चीनी नीचे लगे ना। हमें सबसे पहले इसकी चाशनी बनानी होगी, तो इस तरह से जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक आप चलाएं और फ्लेम को मीडियम कर दें। अब देखें, आप इसमें बॉयल आ गया है, इस तरह से देखें आप बुलबुले आ रहे हैं। तो बीच बीच में आपको चलाते रहना है और यहाँ पर आप देखें इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे चार इलायची ली थी और इसको मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है फ्लेवर के लिए, इससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी चाशनी में। और यहाँ पे मैंने अब लिया है फूड कलर और ये पीला खाने वाला रंग है। अगर आप डालना चाहे तो आप डालें, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। अगर आप चाहो तो इसके जगह आप केसर के स्ट्रैंड्स, केसर के धागे जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको आपको पकाना तब तक है, देखो आप यहाँ पे आप ये गाढ़ी हो गई है बिल्कुल और चाशनी में एक तार बन रहा है, आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी आपने इस तरह से बनानी है। आप जब इसको उंगलियों में इस तरह से करोगे तो एक तार आपको इस तरह से दिखेगा जैसा वीडियो में दिखाया गया है। तो अब आपको इसमें डालना है एक चौथाई चम्मच या फिर थोड़ा सा नींबू का रस। इससे क्या होगा कि आपकी चाशनी जमेगी नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं होगी। होता है ना कभी कभी चाशनी के ऊपर एक सफ़ेद सी परत आ जाती है, चाशनी जमने लगती है, तो वो नहीं होगा। बस आपकी चाशनी अब रेडी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है दो कप मैदा और ये मैदा आप देख सकते हैं मैंने एक बोल में डाल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे एक चौथाई चम्मच नमक। अब ये मत सोचने लग जाना कि भाई नमक डालने से ये इसका स्वाद तो भाई ख़राब हो जाएगा, नमकीन सा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मीठी चीज़ बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो तो वो टेस्ट को बैलेंस करता है और इसका टेस्ट और निखर के आता है, यानी और बढ़ समझ गए ना। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप तेल और ये तेल रिफाइंड ऑयल है और इसमें आप कोई भी तेल डाल सकते हो, बस उसमें खुशबू ना हो ये ध्यान रखना। तो आधा कप डाल दिया मैंने। अब ध्यान रखना है आपको इस बात का कि आधा कप मैंने बोला है तो दो कप मैदे के लिए आधा कप तेल ही डालना, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। मोइन का डलना यानी तेल का डलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्ट रेशियो में, परफेक्ट मात्रा में, इससे ही आपके खाजा अच्छे बनेंगे। और इसको आपने इस तरह से मिलाना है अच्छे से जब तक, देखो आप यहाँ पे लड्डू सा इसका बन रहा है, तो इसको तब तक आपने मिलाना है जब तक ये इस तरह से बंधना ना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि इसमें तेल जो है वो अच्छे से मिल गया है। बस इसके आगे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, पूरा एक बार में मत डाल देना। और बस आपको इसका सेमी सॉफ्ट बना लेना है, जैसे मतलब सेमी सॉफ्ट का क्या मतलब है कि रोटी, जैसे रोटी का आटा होता है ना, उस तरह से आपने इसका आटा, कड़ा आटा बिल्कुल नहीं लगाना, टाइट आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिस तरह से रोटी का आटा होता है उसी से थोड़ा सा और टाइट, मतलब सेमी सॉफ्ट जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो इस तरह का देखें आप डो आपका होना चाहिए, इस तरह का आटा मैंने गूंद के रेडी कर लिया है। अब आप इसे ढक के रख दें साइड पर और तब तक हम आगे की तैयारी अपनी कर लेते हैं। तो इसके आगे आपको बनाना होगा इसका एक मैदे का घोल। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी में तीन बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून मैदा डाला है और साथ ही 3 टेबलस्पून तेल। जितना मैदा लोगे उतना ही इसमें तेल भी डालना है, ये ध्यान रखना। तो मतलब आप 4 बड़े चम्मच तेल ले रहे हो तो 4 बड़े चम्मच आपको इसमें मैदा भी डालना है। तो अच्छे से इसको मिला लें। और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं साटा। अब आप कहोगे भाई साटा ये क्या होता है,
तो जब भी हमें कोई चीज़ में परत बनानी होती है, किसी चीज़ को खोलना होता है, तो हम साटा यानी कि इस तरह का मैदे वाला घोल तैयार करते हैं। देखो, जब कोई चीज़ चिपकानी होती है तब तो हम मैदे और पानी का या फिर आटे और पानी का घोल बनाते हैं, लेकिन कोई चीज़ को खोलना होता है, परत बनानी होती है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कि साटा का। तो भाई हम चेक कर लेते हैं आप अपने आटे को जो हमने रखा था साइड पे रेस्ट के लिए, तो बहुत आराम कर लिया इसने, आप देख सकते हैं। अब आप इसको दोबारा से थोड़ा सा 2 मिनट गूंद लें, और इसके बाद आप छोटे छोटे इसको लोई में यानी कि थोड़े छोटे छोटे पोर्शन में आप तोड़ लें इसको इस तरह से। और मैंने यहाँ सारे तोड़ लिए हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से तोड़े छोटे बड़े, जैसे भी आपको खाजा की साइज़ रखनी है, थोड़े मीडियम ही रखना, बहुत छोटे मत रख देना। इसके बाद आप एक लोई को लें और थोड़ा सा चकली पे आप बेल लें या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सही लगे, प्लेन सरफेस पे आपको बेलना है तो इस तरह से आपको बेलना होगा। आप देख सकते हैं पहले रखें और फिर इसको जिस तरह से रोटी बेलते हैं बेसिकली उस तरह से बेलना है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है रोटी जितनी आपको इसकी थिकनेस नहीं रखनी, आपको इसको बिल्कुल पतला पापड़ की तरह बेलना है। नहीं छोड़ो, पापड़ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही पतला हो जाएगा पापड़, थोड़ा सा मतलब पतला बेलना है। आप देख सकते हैं इतना पतला, आप देखो जब मैंने इसको हाथ में लिया मेरी उंगली मेरी जो हथेली है वो पूरी दिख रही है, मतलब ट्रांसपेरेंट है ये बिल्कुल। इस तरह से पतला आपको बेलना है, जैसे शीट होती है ना पेपर, उस तरह से आपको इसको बेलना होगा। आप देख सकते हो वीडियो में कितना पतला मैंने बेला है, और इसी तरह से आपको सारे लोई को बेलते जाना है और साइड पे रखते जाना है। चिंता मत करो चिपकेंगे नहीं, आप रख देना है क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी मात्रा में है, तो चिपकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और आपको सूखा आटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से बेल के एक शीट आपने लेनी है, और इसके ऊपर जो साटा का वो बनाया था ना मिक्सचर, साटा का घोल बनाया था, वो आपको इस तरह से इसके ऊपर लगाना है। तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंने ब्रश का यूज़ किया तो आप भी ब्रश का यूज़ करें, चिंता मत करने लगना। बस आपने एक साइड पे लगा लिया साटा, अब दूसरे वाले रोटी को रखो, फिर उसके ऊपर आपने लगाना है साटा का वो मिक्सचर मतलब मैदे का घोल, फिर एक और आपने इस तरह से रखना है, और फिर उसके ऊपर लगाना है आपने साटा का मिक्सचर, और इसी तरह से जब तक आपके मतलब सारे लेयर्स ख़त्म ना हो जाए, सारे लोई आपकी सारी रोटियां ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको इसी तरह से करते रहना है। तो ये मेरा साटा का मिक्सचर ही बीच में ख़त्म हो गया था, मैंने बहुत कम बनाया था, कंजूसी कर दी मैंने, तो अगर आप कंजूसी मत करना दोबारा से, अगर आपको कम पड़े तो आप बना लेना। मैंने बना लिया था दोबारा क्योंकि मुझे कम पड़ गया था। तो अब आपको क्या करना है, आप साइड से इस तरह से देखो रोल करना है। अब रोल यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, ध्यान रखना कि आपको इसको दबाते हुए हल्का हल्का करके हल्के हाथ से दबाते हुए आपको रोल करना है, टाइटली रोल करना है, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर देके, मतलब बहुत ढीला ढाला से रोल मत करना वरना ये खुल जाएगा फ्राई करते वक्त, इस बात का बहुत ध्यान रखना। और यहाँ पर मैंने रोल कर लिया, आप देख सकते हैं। अब ये जो साइड में किनारा बचा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लगाना है थोड़ा सा पानी उंगलियों से, और इससे सील कर लेना, इससे क्या होगा ये खुलेगा नहीं, और इसको इस तरह से दबा दें और सील कर लें। तो एक बार इसको इस तरह से चला लें आप, जिस पे भी मतलब आप इसको बेल रहे हैं या जिसके भी ऊपर आपने रखा है, चकली के ऊपर रखा है तो आप चकले के ऊपर बेलें, मतलब इसको इस तरह से रोल करें, और रोल करने के बाद देखें इस तरह से आपको थोड़ा सा हाथों से दबा के इसको फैलाना है इसकी साइज़ को। अब जो इसके कॉर्नर थे साइड्स आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से कट कर लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये किसी काम के नहीं होते हैं, ये फ्राई करते वक्त खुल जाएंगे। तो इसका आप यही कर सकते हैं, आप इसको लास्ट में या तो फ्राई करें या तो आप इसको फ्राई ही ना करें। तो बस इस तरह से मैंने दोनों कोने को काट लिया है, और फिर से हम इसको दोबारा से इस तरह से घुमाएंगे रोल करेंगे। तो अब आप ज़रा डाल लो यहाँ पर नज़र गाइस लेयर्स पे यानी कि इसकी परतों पे। तो बस इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, आपको एक एक इंच की दूरी पे इसको काटते जाना है इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया गया है चाकू की सहायता से। और आप इससे छोटा मत काटना इसके चक्कर में कि बहुत ज़्यादा खाजा बन जाएंगे, आपको इससे छोटा नहीं रखना और इससे बड़ा भी नहीं रखना, बड़ा आप चाहो तो फिर भी रख सकते हो, लेकिन इससे छोटा तो बिल्कुल मत रखना। आप देखो यहाँ पे, अब आप लेयर्स देखो, आप इतना ज़्यादा परत इसके, कैन यू बिलीव इतनी ज़्यादा लेयर्स आए हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वो रोटी वाली लेयर लगाओगे, मतलब जितना जो हमने आटा तैयार किया था डो, उसकी जो शीट है उसके एक के ऊपर आप एक, एक के ऊपर आप एक लगाओगे, तो उससे क्या होगा कि इसमें लेयर्स उतनी ज़्यादा। तो अब दे लेते हैं खाजा को शेप, यानी अपने खाजा को शेप देने के लिए आप एक खाजा का पीस लेना, और इसको इस तरह से आप थोड़ा सा हाथों से दबा के उंगलियों से फ्लैट करके, और फिर इसको आप हल्का सा इसके ऊपर बेलन चलाने हैं 4 से 5 बार, और बेलन बहुत दबा दबा के मत चलाना, ये नहीं कि इसके ऊपर रोटी की तरह बेलन चला दिया रोटी बेल रहे हैं, हल्का सा आपको इसको 4 से 5 बार चलाना है, वरना जो इसकी लेयर्स हैं ना वो आपस में चिपक जाएंगी।
तो बस इसी तरह से आपको सारे खाजा रेडी कर लेना, और यहाँ पे मैंने रेडी भी कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करें, तो फ्राई करने के लिए बस मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी है, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और तेल को मैंने गर्म कर लिया है लो फ्लेम पे। ध्यान रखना तेल जो है हमारा लो मीडियम पे गर्म है, उसके बाद लो मीडियम पे गर्म किया था और फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सारे खाजा डाल दिए हैं, पूरी कढ़ाई एक बार में नहीं भरना, यानी सारे खाजा आपको एक बार में नहीं डालने, थोड़े ही खाजा डालो, मतलब 4 से 5 खाजा डालो एक बार में, या आपकी जितने कढ़ाई में जगह हो। लो फ्लेम पे आप इसको छोड़ दो अभी, तो बिल्कुल आपने इसमें करछी चम्मच कुछ नहीं लगाना जब तक ये थोड़े से फर्म ना हो जाए, थोड़े से टाइट ना हो जाए, छूने लायक ना हो जाए। तो 10 से 15 मिनट आपको ऐसे ही लग जाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे फ्राई होगा तो ऑब्वियसली बात है टाइम तो लगेगा भाई। तो देखो इसे फ्राई होते होते 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे, और ये इनकी जो लेयर्स हैं फ्राई होते होते इसका खुलना शुरू हो गया है लेयर्स का, और देखो आप इसकी परतें जो है नज़र आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे फ्राई होंगे इनकी परत जो है वो खुलेगी। तो अब देखो यहाँ पे थोड़े से टाइट हो गए, थोड़े से फर्म हो गए हैं, और लग रहा है कि हम इनसे अब छू सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, हल्के हाथ से इसको छू कर इसकी साइड्स को पलटना है, यानी कि चम्मच से पलटना, करछी अभी भी मत लग, और बस ऐसे ही उलटते पलटते आपको इसको फ्राई कर लेना है जब तक ये थोड़े से गोल्डन ना हो जाए, थोड़े से सुनहरे ना हो जाए, कुछ इस तरह के आपका देखो कलर आ गया यहाँ। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एक एक खाजा को निकालते जाना है, और हल्की गुनगुनी हल्की गर्म चाशनी में आपको डालते जाना। अगर आपकी चाशनी जो है वो ठंडी हो गई हो तो आप उसको थोड़े सा गर्म कर लेना, बस और कुछ नहीं करना आपने। तो एक एक खाजा को निकालें और चाशनी में डालते जाएँ। तो देखिए गाइस इसकी परतें देखिए आप, कितना मतलब फ्लेकी, कितना इसमें लेयर्स आई हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे चाशनी में डाल दिया है, और आप देख सकते हैं चाशनी यहाँ पे हल्की गुनगुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडी भी नहीं है, तभी ये अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी चाशनी को, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस चाशनी में मैंने डाल दिया ये इस तरह से खाजे को, और एक एक खाजे को आपने डालना है, और एक खाजा को मतलब 1 से 2 खाजा जितना भी आप डाल रहे एक बार में, उसको आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही एक बार में चाशनी में रखना है, फिर निकाल लेना है, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही आप रखें। तो देखो गाइस खाजा बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रहा है, मतलब मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, आपका पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे ना तब आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी है। तो मैं आपको इसके दर्शन करवा देता हूँ पास से, आप देखो कितना ज़्यादा इसमें परत है, इतना ज़्यादा फ्लेकी, इतना ज़्यादा लेयर इसके अंदर आई है कि मतलब आप गिनते ही रह जाओगे, है ना। इतना मतलब इतनी भी ज़्यादा लेयर्स नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेयर्स आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको ये रेसिपी देखने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है बनाना, बहुत टफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो टिप्स बताएं आप उनको फॉलो करना, बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे। फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना स्पेशली इस दिवाली पे, और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप और भी मेरी वीडियोस देख सको, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आती रहें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन बताना ज़रूर कि आपको क्या इसमें नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।